मुख्यमंत्री तक का सफर बतौर सन्यासी योगी आदित्यनाथ के लिए कभी आसान नहीं रहा। देश की जनता को अपना परिवार माना और पुत्र धर्म से बढ़कर राजधन को माना। तभी तो कोरोना की घड़ी में पिता की मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार में इस कारण शामिल नहीं हो पाए क्योंकि यूपी की जनता को उनकी जरूरत थी। यहाँ उन्होंने पुत्र धर्म से ज्यादा अपने राजधर्म को प्राथमिकता दी। देश सेवा में समर्पित योगी आदित्यनाथ पर जनता ने ऐसा भरोसा जताया कि फिर से सत्ता की चाबी उन्हें सौंप दी। लेकिन देश की गद्दी तक पहुंचने के लिए बीजेपी के इसी फायर ब्रांड नेता को क्या कुछ करना पड़ेगा, इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि योगी के फिर से मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले स्वामी राम भद्राचार्य ने की है। जी हाँ, हम उन्हीं स्वामी राम भद्राचार्य की बात कर रहे हैं जो खुद को सिर्फ कथा बांचने वाला एक ब्राह्मण नहीं मानते बल्कि एक संप्रदाय का निर्विवादित जगत गुरु कहते हैं। हम उन्हीं स्वामी राम भद्राचार्य की बात कर रहे हैं जिनके मुख से निकले एक एक शब्द, हर एक बात हकीकत का रूप लेते हैं। जो वो कहते हैं दुनिया उसे सच होता देखती है। यूपी की सत्ता पर योगी के फिर से काबिज होने की भविष्यवाणी हो, पीएम मोदी के दो बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो या फिर अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी हो, ऐसे ही न जाने कितनी राजनीतिक भविष्यवाणियां हैं जो अक्षमता सत्य सिद्ध हुई हैं। इसके अलावा पीओके की घर वापसी का साल भी बता चुके हैं, इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 2024 में पीओके की वापसी होगी। फिलहाल योगी को लेकर इस बार स्वामी राम भद्राचार्य ने जो कहा उसने हर किसी का दिल छू लिया। सत्ता के गलियारे में स्वामी राम भद्राचार्य को जितना करीबी पीएम मोदी का माना जाता है उतने ही करीब वो सीएम योगी के भी हैं। जब जब सीएम योगी चित्रकूट का रुख करते हैं, खासतौर पर स्वामी राम भद्राचार्य से मिलने का एक भी मौका नहीं चूकते। जब कोई परेशानी हो या फिर राह में आ रही कोई बड़ी चुनौती, योगी आदित्यनाथ हमेशा स्वामी राम भद्राचार्य की शरण में नजर आते हैं। इसे एक बात तो साफ है, व्यक्तिगत तौर पर स्वामी राम भद्राचार्य योगी को बखूबी जानते हैं, तभी तो योगी आदित्यनाथ को देखते ही ये भांप लेते हैं कि उनका अगला कदम क्या है। एक बार फिर योगी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसमें भविष्य में उनके पीएम बनने की भविष्यवाणी झलक रही है। कथा वाचन के दौरान योगी को लेकर जगतगुरु राम भद्राचार्य ने कहा, यदि बीजेपी को भारत पर शासन करना है तो उसे राम जी को प्रणाम करना पड़ेगा। राम जी की गरज नहीं है उसको प्रणाम करवाने की, उसको गरज है प्रणाम करने की। और यही हुआ, योगी आदित्यनाथ मेरे छोटे भाई हैं। भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कौन सा परिवार है, अपने पिता के मृत्यु में भी नहीं गए और रामलला को गोद में लेकर जब टेंट से बाहर निकाले मैंने उसी समय बोल दिया था कि बेटे तुम फिर मुख्यमंत्री बनोगे, इसलिए मुझे ऐसा तैसा ब्राह्मण ना समझा जाए। मैं सत्यनारायण बांचने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पहले ब्राह्मण हूँ, फिर साधु हूँ, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूँ और फिर एक संप्रदाय का निर्विवादित जगत गुरु हूँ। मैंने पढ़ाई सिर्फ हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति की सेवा करने के लिए की, इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास मोदी जी को किसने दिया है, रामचरितमानस जी ने। स्वामी राम भद्राचार्य जिन्होंने बचपन में ही आंखों की रोशनी खो दी लेकिन जिंदगी से हार ना मानकर ज्ञान की रोशनी से अपने अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय किया, आज की तारीख में दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। संत समाज से आने वाले राम भद्राचार्य को जगत गुरु की उपाधि मिली है, समाज में अपने नेक कार्यों के चलते पद्म भूषण से भी सम्मानित है। एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिनके कथन सत्य साबित होते हैं और क्या पता इस बार योगी को लेकर जो उन्होंने कहा वो सत्य हो जाए। राम के नाम पर ही योगी इस देश पर राज करे। हम सब जानते हैं एक वर्ष पहले
पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया और एक वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की एक प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेवेलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी मैं देख रहा था, मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियरगंज तक की बच्चियां यहां पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कौड़िया ब्लॉक से, चरगावा ब्लॉक से, गोरखपुर महानगर से, कैंपियरगंज विकासखंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहां पढ़ रही हैं, बालक भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान, अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है, वह आज महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और महाविद्यालय ने एक वर्ष में जो प्रगति की है यह प्रगति निरंतर बनी रहे इसके लिए एक वर्ष के बाद पुनः मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टेडियम का लोकार्पण, यहाँ के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे इसके लिए आश्वस्त करने के लिए मैं महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को दे रही है और इसीलिए हर महीने किसी एक कार्यक्रम को लेकर के डबल इंजन की सरकार आती है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और जो 17 सितंबर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के कल 25 सितंबर थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 15 दिन का ये जो कार्यक्रम है इस सेवा पखवाड़े के क्रम में आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम भी है और आज यहाँ पर मुझे 700 ऐसे दिव्यांग जन से संबंधित उपकरणों को वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है जिसमें 100 मोटराइज ट्राइसाइकिल है, 50 ट्राइसाइकिल है, 50 व्हील चेयर है, 200 स्मार्ट केन है, 100 कान की मशीन है, 50 MR किट है, 50 लेप्रोसी किट है, 100 विभिन्न प्रकार के अंग यथा पैर कैलिपर्स आदि दिव्यांग जन में आज यहाँ पर वितरित किए गए हैं। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उन जैसे महापुरुषों की जिनकी सोच देश के बारे में थी, जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के बारे में थी, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जिया। और भाइयों बहनों, महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय एक ऐसे स्थल पर है जहां पर 5 बार जहां से सांसद के रूप, विधायक के रूप में पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी ने यहाँ की जनता जनार्दन का की सेवा की, उनका मार्गदर्शन किया और 4 बार यहाँ की जनता जनार्दन ने उन्हें सांसद के रूप में चुनकर